मुजफ्फरनगर के नए डीएम अरविंद मलप्पा बनगारी ने शुक्रवार को कोषागार पहुंचकर चार्ज लिया। ट्रेजरी का चार्ज लेने के बाद उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन करना उनकी पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जनपद में कानून का राज कायम रहेगा और समस्याओं के निवारण को प्राथमिकता दी जाएगी। डीएम ने शुक्रवार को कोषागार में चार्ज लेने के बाद कलेक्ट्रेट के लोकवाणी भवन में मीडिया के साथ वार्ता की। उन्होंने अपना परिचय देते हुए बताया कि मूल रूप से वे कर्नाटका के रहने वाले हैं और उन्होंने एमएससी एग्रीकल्चर किया है। नवागत डीएम ने कहा कि वे गलत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ना गलत व्यक्ति का साथ देते हैं। उन्होंने कहा कि मेरठ में तैनाती के दौरान मुजफ्फरनगर की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ है। 3 वर्ष ऊर्जा निगम में तैनात रहने के कारण फिलहाल वे शासन की संचालित योजनाओं के बारे में अधिक नहीं जानते, लेकिन एक सप्ताह के भीतर पूरी जानकारी कर उनके बेहतर क्रियान्वयन का रास्ता साफ करेंगे। समस्याओं का प्राथमिकता से होगा निकारण। अरविंद मलप्पा बनगारी ने कहा कि शासन से समय समय पर मिलने वाले निर्देशों का पालन किया जाएगा और लोगों की समस्याओं का निकारण भी प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। डीएम ने आश्वासित किया कि किसी भी समस्या पर उसका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे। लगभग 3 साल के मैंने प्रबंध निदेशक था। बिजली एक ही सिंगल डिपार्टमेंट है, सिंगल एजेंडा चलती है, सप्लाई का और कमर्शियल का। तो जिलाधिकारी वाइड हो जाता है इसका। तो शासन और सरकार की जो प्राथमिकता है वही प्राथमिकता ही सर्वोच्च रहेगा। एंड अभी क्योंकि सरकार में आज के टाइम पे अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे, स्कीम चल रहे हैं, तो वही प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि अगर मैं दूसरे जिले से आता तो मैं बता देता कौन कौन से प्राथमिकता चल रही है, तो कुछ समय लगेगा क्योंकि मैं सरकार के आजकल क्या क्या चल रही है। एंड आप सबका सहयोग रहेगा कुछ, तो